हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। महामारण सारी आप सभी लोगों का अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन के डे नंबर 9 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? बट फ्रेंड्स, आज के एपिसोड शुरू करने से पहले हम पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली रक्षाबंधन ने डे नंबर 8 पर कितने करोड़ कमाई की, उसके बाद इसके जो शो काउंट्स हैं अभी आज के दिन उसके बारे में बात करेंगे, इसका रिवाइज टोटल जो हुआ है ओवरसीज में उसके बारे में बात करेंगे, लाइफ टाइम में फिल्म कहाँ जाते हुए दिखाई दे रही है। गाइस, इट्स जस्ट फ्राइडे सैटरडे एंड संडे फॉर रक्षाबंधन, उसके बाद इट्स कंप्लीट फिनिश एंड फिनितो। भैया देवरा कोंडा ने क्या बोला है भैया, सुनना चाहेंगे आप सभी लोग? सुना देते हैं भाई। तो भैया फिल्म की प्रोड्यूसर जो है चार्मी, वो देवरा कोंडा को पूछती है कि भैया आपको क्या लगता है लाइगर कितना करोड़ कमाने चाहिए? तो विजय देवरा कोंडा ने कहा है कि मैं 200 करोड़ के नीचे सोचता ही नहीं हूँ, मेरे अनुसार लाइगर 200 करोड़ के ऊपर पैसा कमाएगी। सो गाइज, आप सभी लोग सोच सकते हो 25 अगस्त को कितनी बड़ी फिल्म आ रही है, जो कि जिसका हीरो बोल रहा है कि वो फिल्म 200 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी। तो आप सोच लो भाई, कितने बड़ी महान, सदियों की महान फिल्म आ रही है, 200 करोड़ रुपए कमाने वाली है। सो गाइज, अक्षय कुमार की फिल्म के पास अभी केवल यहाँ पर फ्राइडे सैटरडे संडे बचा है। भैया ये हंसी हम उनके लिए हंस रहे हैं। कॉन्फिडेंस मतलब आदमी कहाँ से लाता है इतना, मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस मुझको मेरे जिंदगी में चाहिए, बस उसी की कमी है। ऐसा कॉन्फिडेंस मिल जाए ना जिंदगी में, आदमी फतेह कर ले जिंदगी, सीरियसली बोल रहा हूँ। तो गाइस, यहाँ पे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, ओके, ये 3 दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है अक्षय कुमार की फिल्म के लिए, क्योंकि उसके बाद से मंडे ऑब्वियसली कलेक्शन बहुत गिरेंगे। तो आई होप गाइस ये 3 दिनों में फिल्म ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो कमा कर निकल जाए। बात करूं रक्षाबंधन की, 7 दिनों में इस फिल्म ने 37.30 यानी कि 37.30 करोड़ का बिजनेस किया है। बात करूं गाइस यहां पर 8वें दिन की, तो फिल्म ने बहुत ही इज्जतदार 1 करोड़ का बिजनेस किया, यानी कि 8वें दिन फिल्म नहीं गिरी। जैसे मैं कल रात को प्रेडिक्ट किया था 1 करोड़ कमाएगी, 1 करोड़ कमाकर अब इसका जो कलेक्शन है 8 दिनों का वो 38.30 यानी कि 38.30 करोड़ का हो चुका है, जिसका ग्रॉस होता है 45.6 यानी कि 45.6 करोड़ रुपए। ओवरसीज द फिल्म हैज अर्न 8.04 करोड़ रुपीज। यस फ्रेंड्स, रक्षाबंधन ने 8.04 यानी कि लगभग 1 मिलियन के ऊपर कलेक्शन जो है वो कर लिया है। इसी के साथ रक्षाबंधन फाइनली मैनेजेस टू टच 50 करोड़ वर्ल्ड वाइड, यानी कि रक्षाबंधन ने विश्व भर में 53.64 यानी कि 53.64 करोड़ का बिजनेस जो है वो कर लिया है। आज है डे नंबर 9 एंड मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी वाज 7%, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी वाज 11 एंड इवनिंग 13। दीज आर बेस्ट ऑक्यूपेंसी रक्षाबंधन did not even have in the last week। ये बहुत अच्छी ऑक्यूपेंसी है आज के दिन की, ओके। लेकिन बात करेगा शो काउंट की, there's nothing much to talk about। एंड भैया PVR में ऑफर है, buy 3 get 1 free है, तो जाइए भाई थिएटर का आनंद लीजिए। हम चाहते हैं कि भैया ऑडियंस थिएटर की तरफ आए। ये बड़े बड़े हीरो OTT पर पिक्चर रिलीज कर रहे हैं भाई, क्या क्या बोल सकते हैं भाई, कुछ कह ही नहीं सकते हम है। मुंबई की बात करूँ गाइस, तो रक्षाबंधन 429 से 172 शोज आ गए हैं। दिल्ली NCR 674 से 373 पूरा चॉप कर दिया शो काउंट। पुणे 148 से 63, बेंगलोर में तो भैया उड़ा दिए भाई, 82 से 25, हैदराबाद 43 से 18, कोलकाता 50% डिस्काउंट, 200 शोज में 110 बचे हैं खाली। अहमदाबाद टोटल कट 291 शोज थे, आज 137, चेन्नई 11 थे आज 9 है, सूरत में 135 आज 69, जयपुर 102 था आज 76, चंडीगढ़ 64 से 18 एंड लखनऊ 143 से 92। रक्षाबंधन इज अंडरस्टूड मेरा भाई, दिस आर जस्ट फॉर्मेलिटीज, वो कहते हैं ना कि बस अब कुछ ही समय, कुछ ही वक्त बचा है फिल्म के पास, इसके बाद समाप्ति की घोषणा है, ओके। तो मुंबई में आज ऑक्यूपेंसी 12% की थी, ठीक ठाक है। दिल्ली NCR में 9, पुणे में 10, रात के शोज अच्छे चल रहे हैं। बेंगलुरु में 14% रात के शोज, हैदराबाद में 14, कोलकाता में 8, अहमदाबाद में 17%, चेन्नई 38, सूरत 13, जयपुर 10, चंडीगढ़ 12, यानी कि आज रक्षाबंधन की ऑक्यूपेंसी अच्छी है। शो काउंट कम होने के बावजूद भी रक्षाबंधन केवल 1 करोड़ रुपए की कमाई यहाँ फिर से करते हुए दिखाई दे रहा है। कम हुआ भी तो हुआ तो कितना होगा, 90 लाख, 95 लैक्स, फिर भी ये फिल्म जो है यहाँ पर 9 दिनों में कहीं ना कहीं 39.20 करोड़ कमाते हुए दिखाई दे रही है। सैटरडे 1.35, संडे 1.50, आई थिंक रक्षाबंधन का लाइफ टाइम
43 से 45 करोड़ होगा, उसके बाद ये फिल्म समय समाप्ति की घोषणा कर लेगी। तो अब सब कुछ सब लोग इंतजार कर रहे हैं कल अक्षय कुमार की फिल्म कठपुतली जो है उसके ट्रेलर का। गाइस बिगैर ट्रेलर देखे बगैर बात करना बेवकूफ़ी है। ट्रेलर देखेंगे, ट्रेलर अच्छा होगा, फिल्म के बारे में बात करेंगे। वो फिल्म 2 सितंबर को आ रही है एंड उसके बाद ऑल इम्पॉर्टेंट दिवाली। गाइस मुझे लगता है पर्सनली कि राम सेतु विल डू सुपर बिजनेस ऑल ओवर द कंट्री, इवन वर्ल्ड वाइड करेगी, डेफिनेटली करेगी, तो पूरी उम्मीद है उस पर है। हाँ, वो बाकी जो पिक्चरें हैं ना, वो सेल्फी और वो सब, उस पर भैया हम कुछ टिप्पणी नहीं देना चाहते हैं। हमारी विशेष टिप्पणी हम ट्रेलर देखने के बाद देंगे, उसका मैं गारंटी नहीं लेता रे बाबा। लेकिन राम सेतु इज गोइंग टू गुड बिजनेस, लेट्स सी गाइस। कठपुतली किस तरह से आती है, थिएटर में तो आ नहीं रही है तो कोई टेंशन ही नहीं है पिक्चर का, OTT पर चले जाएंगे। आमरन अंसारी साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।